आज के टॉप 5 अपडेट की शुरुआत करते हैं गॉर्जियस एक्ट्रेस करीना कपूर से। भाई जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शंस पास आ रहे हैं, वैसे वैसे सुनने में आ रहा है कि करीना कपूर भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हो सकती है। जिस बारे में बात करते हुए करीना ने कहा, ये सिर्फ रूमर्स है, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी सिर्फ फिल्म है और हमेशा वही रहेगी। असल में भोपाल के लीडर्स का मानना था कि करीना से अच्छा कोई भी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकता, इसी वजह से ये बातें सामने आई थी। करीना कपूर के बाद अब बारी आती है फिल्म टोटल धमाल के ट्रेलर लॉन्च की। फिल्म टोटल धमाल का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिस मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट यहां प्रेजेंट हुए और साथ में सभी ने मीडिया से खूब सारी बातें की। मगर जब एक रिपोर्टर ने अनिल कपूर को फिल्म के डायलॉग बोलने के लिए कहा तो जनाब अनिल कपूर ने बोला, मैं कुछ फ्री में नहीं करता। जो आपने एनर्जेटिक डायलॉग दिखाया मर्द का बच्चा है, तो कुछ एक लाइव दिखाना चाहेंगे हमारे सामने? ओ जमूरे गुलाटी मारेगा। एक लाइन वो हमें वीडियो अच्छा मिलेगा। नहीं आजकल मैं कोई भी चीज फ्री नहीं करता। ये 35 साल काफी लोगों के लिए फ्री किया, अब थोड़ा बच्चों को पालना है, बड़े हो गए सब। पत्नी जो है वो डांटती रहती है, बैंक बैलेंस अभी भी उतना ही है जब करियर शुरू किया। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखा आपने, अनिल कपूर ने सब कुछ फ्री में करना बंद कर दिया है क्योंकि उनको अपनी वाइफ की डांट नहीं सुननी। अब बात करते हैं आमिर खान के प्रोडक्शन फिल्म रूबरू रोशनी की, जिसकी हाल ही में स्क्रीनिंग हुई, जहां बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सारे सितारे शामिल हुए, जिनमें से परिणीति चोपड़ा, रॉनिक रॉय, पंकज त्रिपाठी, जासमिन, विवेक दहिया, राधिका मदान, वानी कपूर, सानिया मल्होत्रा, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, दिव्या कुमार खोसला, शिवांगी जोशी, आमिर खान विद फैमिली, जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम, सनी लियोन, हिना खान जैसे कई सारे सेलेब्स इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बने। फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान ने बताया कि ये फिल्म बहुत ही स्पेशल है और ये फिल्म 26 जनवरी को टीवी पर ऑन एयर हो रही है। अब बात करते हैं श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की। जी हाँ, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर। रिसेंटली वोक सीजन 3 के लिए जानवी कपूर और खुशी कपूर ने नेहा धूपिया के साथ शूट किया, जिस दौरान शूट से बाहर आते हुए जब कैमरामैन दोनों बहनों को कैप्चर कर रहे थे, तभी एक कैमरामैन अचानक गिरने लगे थे, जिसे जानवी कपूर ने बचाया और कहा, पीछे देखो। और जब जानवी कपूर वैनिटी वैन में जा रही थी, खुशी कपूर माइक के साथ ही घर के लिए निकल गई और गाड़ी के पास जाकर उन्हें याद आया कि अरे लेबल माइक तो वो अपने साथ ही ले गई थी, जिसके बाद उन्होंने वैनिटी में जाकर लेबल उतारा और फिर अपने बालों को खोला और स्टाइलिश दिख रही थी। आज की फाइनल अपडेट है फिल्म भरत से। इस वीडियो को देखिए जो फिल्म भरत के सेट से लीक हुआ है, जिसे देख आप यही कहेंगे कि कैटरीना कैफ भी सिक्सर मारने में पीछे नहीं है। और फिर चाहे वो बात हम क्रिकेट में करें या फिर फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, देखिए किस तरह कैटरीना चौके छक्के मार रही हैं और क्रिकेट की कला में भी काफी परफेक्ट लग रही हैं। तो ये थी आज की टॉप 5 अपडेट। आपका इन पर क्या कहना है कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।